बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो तहसीलदार का जो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है, और इसकी जो ख़बर है कि जनाबे वाला के किस वजह से पोस्टपोन किया गया और इसकी मेन वजह क्या बनी, और इसके अलावा जनाब और भी बहुत सी ऐसी सूरत हाल हैं जो कि हमने देखनी है कि इसके अंदर इसकी जो पोस्टपोन होने की जो वजह है वो मेन क्या बनी है। देखिए जी, हमारे पास जो है आपको पता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी है कि पेपर का कैंसिल हो जाना, और ये पेपर का कैंसिल हो जाना मतलब जनवरी में डेट शीट आई, पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद अक्टूबर के अंदर जनाब दूसरी बार कैंसिल हो रहा है, यानी तीन बार पेपर कैंसिल हो चुका है। और पिछली बार जब कैंसिल हुआ तो उन्होंने जनाब दोबारा डेट शीट बता दी थी कि पेपर जो है वो कब होने वाला है, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेड ऑल अरेंजमेंट टू कंडक्ट द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ तहसीलदार ऑन 24। कहते पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तमाम इंतजाम पेपर कराने के लिए 24 अक्टूबर का इंतजाम कर लिया था, ऑफ द एंड जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज का भी, यानी इंग्लिश और जनरल नॉलेज का इंतजाम मुकम्मल हो चुका था। हाउएवर ओविंग द आन गोइंग लॉ एंड आर्डर सिचुएशन, जो कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है सूबे के अंदर, वो इन्वॉल्विंग अल्टर इनकन्वीनियंस जो कि सही नहीं थी कैंडिडेट के लिए, एंड इन्विजिलेशन स्टाफ और दूसरे जो मतलब PPSC के लोग हैं उनके लिए, क्योंकि उनका एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना मुमकिन है, लिहाजा उसको कैंसिल किया गया। द पेपर शेड्यूल फॉर 24 वाज पोस्टपोन टू 7 नवंबर 2021, यानी जो 24 को होना था वह 7 नवंबर को किया गया। सो लेटर सिंस द लॉ एंड आर्डर सिचुएशन जो है वो स्टिल ड्यू टू सरकमस्टेंसेस फिक्स, PPSC है डिसाइडेड, यानी कि वो जो लॉ इंस्टीट्यूशन की सिचुएशन चल रही है वो दोबारा वही से कि वैसी चल रही है, तो इसलिए जनाब वाला इसके लिए PPSC ने दोबारा इसको कैंसिल किया है। नंबर टू पे उसने लिखा है कि ऑल दो द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर द सेम पोस्ट रीशेड्यूल फॉर 7 नवंबर, वो भी जनाब अब येट द कंडक्ट ऑफ द पेपर ऑफ द सेम डेट आल्सो डायरेक्टली लिंक विद द रिस्टोरेशन ऑफ पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर। वो कहते हैं अब उन्होंने ये 7 नवंबर का जो पेपर होगा वो भी अब नहीं होगा, लेकिन इसका जो डिपेंड करता है वो जनाब डिपेंड करता है अब इसके ऊपर कि सूबे के अंदर जो है अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो सही हो और उसके बाद जो है उसको किया जाए। अब यहाँ पर जनाब देखा जाए तो इसमें PPSC का कसूर तो नहीं बनता, PPSC ने तो दो बार मतलब अरेंजमेंट की है, लेकिन पेपर का ना होना PPSC का जो है वो कसूर नहीं बनता, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके अंदर शामिल हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शहर में रहते हैं और आप ट्रैफिक की वजह से अमन व अमान मुल्क के अंदर सूरत हाल में आप किसी स्ट्राइक में फंस जाते हैं, पेपर नहीं दे सकते, तो आपके साथ जाती है क्योंकि आपने इतनी तैयारी की हुई और आपको यकीन है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन वो आप सिलेक्ट ना हो तो फिर इसका मतलब आपके साथ जाती है, ठीक है। तो लिहाजा ये एक अच्छा फैसला है, इसको हमने मतलब है कि ये ना कहें कि PPSC ने गलत किया है, PPSC के लिए तमाम कैंडिडेट जो हैं बराबर के हैं। अब ये देखना है कि जनाब जो प्रोफिशिएंसी के टेस्ट हो रहे थे सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल विहाड़ी के और खुशियाब के, वो वैसे के वैसे ही होंगे क्योंकि वो PPSC के दफ्तर के अंदर होते हैं, लिहाजा वहाँ कोई इशू नहीं है। तहसीलदार का पेपर का कैंसिल होने की जो मेन वजह है वो यही बनती है, क्योंकि तहसीलदार के अंदर 1 लाख बंदा है और पूरे पंजाब के अंदर पेपर होना है, तो लिहाजा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो फौरन पेपर डिले किया जाएगा। अच्छा जी, अब जनाब सूरत हाल ये है कि पेपर अब कैंसिल तो हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब पेपर नेक्स्ट कब होगा, ठीक है। जनाब आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, पेपर इसी नवंबर के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि जो तरीक लबाइक का जो मतलब है इशू है वो उम्मीद है कि इसी वीक में अंदर सॉल्व हो जाएगा, और अगले ही वीक के अंदर जनाब दोबारा पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी, यानी नेक्स्ट वीक के अंदर पेपर की दोबारा अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी जो PPSC ने इस नोटिफिकेशन में अनाउंसमेंट की है वो इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि जनाब क्या पता दोबारा भी होते हैं, ये ना कि हम डेट शीट में बता दें कि जो पेपर आज जनवरी जनरल नॉलेज का होना था वो 14 नवंबर को होगा, जब फिर भी हालात सही न हो तो फिर क्या करेंगे, लिहाजा उन्होंने यही डिसाइड किया कि अभी डेट जो है ना बाद में सूरत हाल सेट हो जाए उसके बाद करेंगे। बाकी एक बंदे ने मुझे बताया था कि सर ये कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया हुआ था उसकी वजह, तो उसकी बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है, वो उसका कोई इशू नहीं है, वो मतलब सीटों का इशू है,
उसका पेपर कंडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जनाब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आप सब पहुँचा दी है। मेरा यही मशवरा था कि आप अपनी स्टडी जारी रखें, पेपर इसी नवंबर के अंदर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।